इतनी भी डीप क्लीनिंग का नहीं कहा था तुम्हें तो, तुम तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे चढ़ के क्या क्या चीजें निकाल रही हो। इसकी आंखों में चली गई, आंखें जल जाएंगी, फेस पूरा जल जाएगा, क्योंकि एकदम घिरे ही फेस पे और सर पर था इसके सारा। और इतना ये बेचारा रोया, इतना रोया, एक तो हम लोग डर गए, ऊपर से ये भी डर गया था। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिन का आगाज़ हो चुका और एक नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। जी, व्लॉग को जिस तरह स्टार्ट किया है ना, आज हमने करनी थी घर की डीप सफाइयाँ। डीप मतलब गहरी गहरी वाली सफाइयाँ, जो अंदर और बाहर का कचरा था ना, डीप क्लीन सारा घर करना है। और ये अभी बस तैयारी पकड़ रहे थे जाने की। इनको कहाँ जाना है? बहुत से काम है ऑफिस में भी और पता नहीं कौन कौन से। खैर ये तो जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने सारा खलारा निकाला हुआ था सिद्रा के आने से पहले, और सिद्रा आ चुकी है। और आती मैंने उसे खुशखबरी दी कि सिद्रा आ जाओ, आज बाजी ने बड़ा गन डाला हुआ है कि ये सारा आपने अंदर से बाहर से साफ करना है। खैर ये कैबिनेट जितने ये अंदर से साफ होंगे, यहाँ वाले भी सारा सामान निकालूंगी, ये भी साफ होंगे और ऊपर के भी मैं निकाल रही हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक कैबिनेट खाली किया है जिसमें से कुछ बर्तन निकले हैं, जिसे मैं बॉक्सेस में रख के सही से तरतीब दूंगी और इन्हें धो के रखना है और मसाले वगैरह समेटने हैं। साथ साथ हस्बैंड को मैंने सोचा बना दूं मिल्क शेक। लो फिर से दूध तो निकाल के लाई। नहीं जी जी, घर बनाना बहुत मुश्किल काम है। लोग जो घर बनाते हैं आज के दौर में, आज के दौर में घर जो बनाते हैं ना, बहुत मुश्किल काम है सच में। जिधर जाओ कलर का पूछा, जिस अच्छे वाले कलर का, क्योंकि कलर रोज रोज तो होता नहीं है, कलर का पूछा तो कलर महंगा, पीवीसी पैनल का पूछा, वॉलपेपर का पूछा, सब बहुत 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 महंगे हुए हैं। उसके अलावा कलर महंगा है तो खैर इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो करेंगे घर का। पर ये जब निकलो ना बाहर तो एहसास होता है कि महंगाई किस कदर हाई पे जा चुकी है। खैर अभी फ्रिज से दूध निकालती हूँ, मिल्क शेक बनाती हूँ ताकि इनके जाने से पहले इनको दे दूँ। राबिया जी, इतनी भी डीप क्लीनिंग का नहीं कहा था तुम्हें तो, तुम तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे चढ़ के क्या क्या चीजें निकाल रही हो अंदर से। सफाइयाँ ऐसे ही होती हैं, डीप मतलब अंदर गहरा। अभी मैंने सात समंदर अंदर जाना है, डीप डीप कर गिर नहीं जाना। ये वाले बाउल छोड़ गिर नहीं जाना। जिस चेयर्स पे तुम खड़ी भी हो ना, ये देखो पूरे सारे सारे पकड़ाओ, इन चेयर्स पे तुम खड़ी। आप मुझे काम करने देंगे या मुझे मिल्क शेक दो जल्दी से? वो बना दिया, दे रही, वो रखा हुआ, अभी ग्लास में डालती हूं। जल्दी से डालो यार, दो मिनट में नीचे उतरू यार, ये तो इधर पूरे नहीं आ रहा, इसको कहां करें? ओके, ये जो आपके हिसाब किताब वाली किताबें हैं इन्होंने मुझे परेशान किया। हिसाब किताब तो ऐसे बोल रहे हो, मेरे पता नहीं। अच्छा वैसे एक आप में आदत है, कितने बिजनेस चल रहे हैं, एक एक चीज लिखते हैं डायरी पे, ये इतने इधर ही हुआ, इतने ये हुआ, बिल्कुल छोटी छोटी माइनर सी चीज भी होगी ना, जाके फटाफट कॉपी पेंसिल लेंगे लिखना शुरू कर देंगे। हिसाब किताब जरूरी है वैसे? हाँ वैसे है तो बहुत जरूरी, पर बेगमात से नहीं। बेगमात मतलब इतनी ज्यादा, एक बेगम से। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आज था इनका अजरक डे, कैसा रहा? बहुत अच्छा फंक्शन था, या फंक्शन हुआ था वहाँ पे बस, है ना? कोई नगमे शगमे, कोई सिंधी गाने, सिंधी मुस्तफ़ा में बैठे बातें कर रहे थे। इतने में बच्चों के हो गया ट्यूशन का टाइम, तो मैंने कहा पहले इनको जगा कर भेजती हूँ ट्यूशन, फिर उसके बाद जाऊँगी अम्मी के। उठ जाओ अहमद इब्राहिम, उठ जाएं, उठ जाओ, उठ जाओ मेरा बच्चा, उठ जाओ। शाबाश। सुबह कितने बजे उठते हैं? 6 बजे उठते हैं, इसलिए अभी जो है ना इनको नींद बहुत आ रही थी और स्कूल में थक टूट के आते हैं। और इनका जो फ्लोर है ना वो थर्ड फ्लोर है, तो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, फिर कभी संभली के लिए नीचे आना है, कभी जो है वो होती है क्या होती है गेम्स होती हैं, कभी लाइब्रेरी पर जाना है, कभी डॉक्टर के, वो 3-4 चक्कर देना ऊपर नीचे के हो जाते हैं। तो बस उठ जाओ ना, बस ठीक है, बता दिए मैंने, आप लोग बहुत थके हुए आते, उठ जाओ। मुस्तफा आप कौन पर चले गए हो? नीचे आओ, आजकल ये जो ना ऊपर ऊपर चढ़ते हैं, ये गंदी बात होती है, आ जाओ। हाँ जी, गोदी में था, दो मिनट आ जाओ। किसके बेटे हो? मामा। उठ जाओ, उठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। लो मामू भी आ गए, हम आए और मामू भी आ गए। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। ओ मुस्तफ़ा अंदर आ जाते, मुस्तफ़ा साथ आया, वो अंदर ही नहीं आया, अंदर आ जाओ। और मुस्तफ़ा के बाल इतने लंबे हुए हैं, कटिंग कराने वाले, चलो एक गेट बंद कर दें। क्या कह रहे हो? लंबे बाल ही रखने हैं, लंबे बाल का रख के क्या करोगे? ऐसे ऐसे वो टिकटॉक देखे ना जैसे बच्चों के सिल्की बाल होते हैं, वो बच्चे ऐसे ऐसे हिला रहे होते हैं। हलवा, इसे पता चल गया नानों के फ्रिज में हलवा है, तो कहना मैंने हलवा खाना है। अच्छा आओ गरम करके दूँ, इधर हो जाओ, करते हैं गरम।
तो ज्यादा गर्म हो गया है, गर्म हो चुका है और इतने मजे की खुशबू आ रही है देसी घी की, बहुत ही मजेदार लग रहा है। किधर गया मुस्तफा? मुस्तफा ये लो आ जाओ, गर्म है। मुस्तफा बताओ क्या हुआ है? चाय गिर गई। हाँ। ये बहुत रोया, ये यहाँ से भी जल गया और ये पूरा जल गया था यहाँ से भी, और अब इसके पूरे मुंह पे और जिस्म पे चाय गिरी है। हुआ पता है क्या है? कहाँ पे थे? चाय गिरा दी। मैंने चाय की ट्रे पकड़ी थी, भाई को दे के पलटी हूँ, ये तेजी से पीछे मेरे आया है कि मम्मा हलवा खिला दे, और ये पर्दे से एकदम तेजी से मेरी तरफ को आ रहा था कि मम्मा हलवा खिला दो, और हम दोनों की टक्कर हुई। जो कप था ना गरम गरम, वो सीधा इसके ऊपर और नीचे भी, हर इसकी आंखों पे, मुंह पे, सीने पे, पूरी इसकी शर्ट गंदी एकदम। हम सब चीखे और ये भी चीखा, तेज़ी से ले जाया कि इसको ऊपर। अब्बू ने ना फटाफट ठंडा ठंडा फ्रिज से अंडा लिया, इसके मुंह पे, इसके जिस्म पे लगाया, उसे इसको इतना फ़र्क आया कि इस पर जलन और छाले नहीं बने। और अल्हम्दुलिल्लाह चाय बहुत ज़्यादा गर्म चूल्हे की नहीं थी, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं चाय ठंडी पीती हूँ, गर्म नहीं होती, पर उस वक्त भी वो गर्म इतनी थी कि हाफ कप को पकड़ नहीं सकते, पर वो कप इस पर गिर गया। और ये जो शरारती काका है ना, तेज़ी से भागता हुआ आया है और पर्दे के ऊपर से इसने देखा भी नहीं, और अभी भी इसमें से अंडे की स्मेल आ रही है। इसको सूंघो, हालांकि अभी मैंने इसको नहलाया है, पर मैं इतना परेशान हुई हूँ, इतना परेशान हुई हूँ कि मैं आपी आई हुई थी, वहाँ पर कोई व्लॉग नहीं बनाया, मेरा दिल इतना अजीब सा हो गया था। अब्बू ने कहा इसका सदका दो, पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि बच्चों के मामले में ना थोड़ा सा दिल बहुत छोटा है, तो मुझे अजीब सा हो गया। तो फिलहाल अभी घर आई, तो अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, उसके बाद जो मैंने चाय पी है ना, उसके बाद मैंने व्लॉग इन्हें स्टार्ट किया, मैंने कहा दिल नहीं मान रहा। और ये लड़का उसके बाद से हंस खेल रहा है, हल्का सा फेस जो है ना यहाँ से जला है, ये निशान है, शक्लें नहीं बनाओ, इधर आओ मैं बताती हूँ, थोड़ा सा ये माथे से रेड हो रहा है और ये रेड हो रहा है और यहाँ सीने से, क्योंकि चाय जो है ना वो चूल्हे की तेज़ गर्म नहीं थी, थोड़ी देर हो चुकी थी चाय को, पर अल्लाह मियाँ ने जान बचाई। मुझे लगा इसकी आंखों में चली गई, आंखें जल जाएंगी, फेस पूरा जल जाएगा, क्योंकि एकदम घिरे ही फेस पे और सर पर था इसके सारा, और इतना ये बेचारा रोया, इतना रोया, एक तो हम लोग डर गए, ऊपर से ये भी डर गया था, और गर्म भी थी, बच्चों को ज़ाहिर है हल्की चीज़ भी गर्म तेज़ लगती है, तो वो थी भी गर्म। तो खैर अभी ये ठीक है, सबकी तो जान निकल गई, सबने बोला पता नहीं अब इसका क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन देगी। मैं अभी बात कर रही हूँ तो भी मुझे पसीना और टेंशन हो रही है कि अल्लाह मैं किसी के बच्चों को कुछ ना करे। मुझे पता है अब्बू क्या कह रहे थे, इसका सदका दो। मैंने कहा सदका हम डेली बेस पे देते हैं, पर वही बात है, जो चीज़ जो तकलीफ नसीब में हो, और मे बी कि शायद जो दिया हुआ था हाथ का वो काम आ गया और बच्चा जो हमारा काफ़ी बच गया। पर एक हाँ भाई, रात हो जाती है, बाबा ऑफिस से आते हैं, कहते हैं सदा मामू शाम में आते हैं, हमारे बाबा रात में क्यों आते हैं? नया सवाल बच्चों का है ये, आपके बाबा जाते भी तो लेट हैं, सदा मामू जल्दी जाते हैं सुबह सुबह। मुझे क्या काम था, मैं वो काम करने जा रही थी, बच्चों ने आवाज़ दे दी, मैं यहाँ पर आ रही थी ये कपड़ों को तय लगाने, और ये कपड़े आज अगर मैं तय लगा लूँगी तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि मेरा झूला खाली हो जाएगा। तो 1 2 3 देखा, हो गया ना झूला साफ। और आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैंने ना कल लाइनर लगाया था और वो लाइनर जो है मैट है, मैंने रिमूव नहीं किया, वो फैल फैल के मेरा खुद ही पूरी आंखें काली हो गई हैं, और मैं कभी भी मेकअप जो है ना रिमूव ही नहीं करती, ऐसे ही मेकअप को रहने देती हूँ जिससे मेरी पूरी आंखें काली रहती हैं, दो दिन रहती हैं, तीसरे दिन नीट एंड क्लीन। खैर अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो ये बर्तन भी गंदे पड़े हुए हैं, तो 1 2 3 किचन भी साफ हो गया है। अब ये ले आए हैं बनाने के लिए कुछ, क्या लेकर आए हैं? चिकन कीमा है। क्या 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 क्या? चिकन कीमा, आलू और शिमला मिर्च। पहले आप बीफ का कीमा लाए थे, आलू और शिमला मिर्च। मुझे कीमा पसंद। क्यों, आपके दांत काफ नहीं करते, बोटियां चबा नहीं सकते? आपको बोटियां कतर 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 करके, कोई बात नहीं मैं चबा के दे दिया करूंगी। खैर ये ले आए हैं चिकन का कीमा और साथ में शिमला मिर्च और साथ में आलू। और अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं चुटकी बजाऊं और खाना बना लूं, क्योंकि पहले जो कपड़े इसी तरह तय लगाए, खाना जब चुटकी बजा के बनाना पड़ेगा ना, रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि कभी भी काम जो है ना वो चुटकी बजा के नहीं होता, वो क्रिएट करना पड़ता है। और अब इतना ज़्यादा थक गई हूँ, अभी आटा भी गूंदना है। आपको आटा गूंदना आता है? नहीं। इतना आसान है, मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है? घर में वेले होंगे ना, फारिग होंगे, तो चलो बहुत मज़ा आएगा आटा गूंदने का। वाकई सीरियसली? पर रहने दें, पूछो क्यों? वो जब आप आटा गूंदोगे ना तो आपके उंगलियों पे जो बाल वाल होंगे ना, उसको मसला हो जाएगा।
बाकी काम सही है वैसे इस चीज़ का होता है। और तंदूर से रोटी लाओ ना तो बाज़ दफ़ा दिखते हैं, बाज़ दफ़ा दिखते भी नहीं, आप बंदा खा जाता है। तंदूर की रोटी के में भी बहुत बाल होते होंगे, है ना? ज़ाहिर है वो मर्द अब काम करे, हम जैसी लड़कियाँ जो होती हैं थ्राइडिंग वैक्स वगैरह करके काम करती है और इतने बाल भी नहीं होते। खाना रेडी हो चुका है और बच्चे जो है ये आ चुके हैं। कहाँ गए हुए थे, साइकिल चलाई आज? नहीं, आया था हादी आपका पूछने, कह रहे हैं अहमद इब्राहिम साइकिल लेके नानों के गए। मैंने कहा नहीं वो ऐसे ही गए। और ये देखो ये किससे खेल रहे हो, ये आपकी आंख में लग सकती है। मम्मा छत के जाएं, आज मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा मसला हो गया था, अल्लाह ताला ने बचा लिया। देखो सही हुई है चेहरा, हाँ ये काफ़ी हद तक सही हो गया, पर गर्म गर्म चाय गिर गई थी, बचत हो गई काफ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया और बच्चे जा चुके हैं रूम में और मुझे वहाँ से आवाज़ें आ रही है क्योंकि मोबाइल पे व्लॉग देख रहे हो और इनकी इसी बात पे लड़ाई हो जाती है कि ये देखना वो नहीं। हाँ जी कहाँ हो गया, ये शुरू से लगा रहे हैं, शुरू से उसको बार, कोई सीन मिस हो गया होगा ना या उसका कोई फेवरेट सीन आ गया होगा। अच्छा मुस्तफ़ा जो है ना ये चंटूपन बहुत कर दें, जब जो चीज़ इसको समझ में आ जाए पसंद आ जाए उसको बार 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 पीछे कर करके देखना, और ये दोनों बेचारे जो बोर हो जाते हैं। खैर यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, चल रहे वॉक पर, दो दिन से मेरी वॉक मिस हो रही है। बाइक को वॉक कराएंगे? नहीं बाइक को नहीं, पेट्रोल महंगा हो गया, नहीं समझा करें। खैर बात भी पेट्रोल की भी सही है, पर ये कि मैं पैदल चलना चाह रही हूँ और आज मेरा थोड़ा सा दिल अजीब ज़्यादा ही हुआ हुआ था क्योंकि आज मैंने दिन में भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया, थोड़ा सा परेशान हो गई थी जो मुस्तफ़ा के साथ मसला हुआ। ज़ाहिर है माँ हूँ तो मैं एक टेंशन में थी कि अल्लाह ने बाल बाल बचा लिया, कहते ना करीब से बचा लिया, तो बस ये है कि थोड़ी देर में अपने आप को मसरूफ़ रखती हूँ, जैसे ही फ्री होती हूँ जहन में वो हादसा सा आ जाता है कि अगर चाय मज़ीद तेज़ गर्म होती, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ उसकी ना स्किन रेड रेड हल्की हल्की हुई, अब छाले नहीं बने शायद, मे बी कि अब्बू ने एकदम फ्रिज का ठंडा अंडा जो था उसके पूरे चेहरे पे लगा दिया था तो उसको मसला नहीं हुआ। पर एक दिल मेरा आज बहुत 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 अजीब सा हुआ है, एक खौफज़दा सी हो गई हूँ कि बस अल्लाह मेरे बच्चों को कुछ ना करे। और यहीं से मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ, आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग अच्छा लगे, खैर व्लॉग अच्छा क्या लगना है, थोड़ा सा डिप्रेशन टेंशन वाला व्लॉग है बस, फिर भी आप लाइक कर दें। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।